तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजी लॉकर एप्लीकेशन के बारे में कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है और आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली फॉर्म में सेव कर सकते हो। तो ये काम आपको कैसे करना है हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाता है जिसमें कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी रहती है। तो मैं इसमें इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके 3-4 बार इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का मेन यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जितने भी हैं आप सारे डिजिटली फॉर्म में इसको सेव कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जैसे हम आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे दोबारा पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट एंड साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने इस एप्लीकेशन में पहले से ही अकाउंट बना रखा है तो आप साइन इन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हो यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि आपको यहाँ पे जो भी अपने आधार कार्ड पर आपका नाम है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिजिटल जो पिन आप रखना चाहते हो वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होता है आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर का यूज़ भी कर सकते हो या तो अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे अपना डिजिटल जो पिन मैंने लगाया था वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे पिन लगाने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक OTP जाता है आपके नंबर पर। आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आधार कार्ड यहाँ पे बड़ा एक कार्ड जैसा बन के आ चुका है। तो आपको सिंपली इस कार्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस कार्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे दोबारा से आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी पे क्लिक करना है एंड एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम एग्री के बटन पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, वो OTP यहाँ पे आपको डालना है। OTP डालते ही सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड एंड जो भी आपने जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड किए रहेंगे वो सारे ही शो हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन कार्ड डाल रखा है, एक आधार कार्ड डाल रखा है। तो सिंपली मैं आधार कार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं आधार कार्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा आधार कार्ड जो है डिजिटली फॉर्म में सामने आ जाता है। तो ये आधार कार्ड मेरा जो है डिजी लॉकर की तरफ से वेरीफाइड है। आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हो। काफ़ी एप्लीकेशन होती हैं जिनमें कि बताया जाता है कि आप डिजी लॉकर की मदद से वेरीफाई कर सकते हो आधार कार्ड या तो पैन कार्ड, तो आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद यहां पे मैं पैन कार्ड के बटन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे हम पैन कार्ड के बटन पर क्लिक करते हैं, पैन कार्ड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा पैन कार्ड भी शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल सकते हो। आधार कार्ड हो गया, 10वीं की मार्क लिस्ट हो गई आपकी, 12वीं की मार्क लिस्ट होगी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या तो आप अपना राशन कार्ड भी इसमें डाल सकते हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट ऐड कर लिए हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट को सभी को देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको पीछे प्रोसेस में बताया। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको अपनी प्रोफाइल, आपका अकाउंट, नॉमिनी, QR स्कैनर, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह कुछ करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले कोविड वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम कोविड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आपका सारा डिटेल शो हो जाता है। आपको सिर्फ इसमें बेनिफिशियरी आईडी डालनी होती है जो कि आपको अपने सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगी। जैसे आप बेनिफिशियरी आईडी डालते हो सबमिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका कोविड का सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 10th की मार्क लिस्ट ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लास 10th की मार्क लिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से करी है आप इजिली यहाँ पे अपनी मार्क लिस्ट को भी ऐड कर पाओगे। तो ये थी डिजी लॉकर एप्लीकेशन का एक छोटा सा रिव्यू कि आपको कैसे यूज़ करना है एंड इस एप्लीकेशन का क्या यूज़ है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जोर से मार देना।